मैं नोएडा सेक्टर 58 गाजियाबाद खोड़ा कॉलोनी में फंसा हुआ हूँ, जिससे कि यहाँ पर कोई भी हेल्प नहीं मिल रही है। किसी भी अधिकारी वगैरह किसी जो भी हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं इन पर बिल्कुल भी कॉल करने से भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। मैं उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग से हूँ और तहसील मेरा ऊखीमठ है। मैं यहाँ पे घूमने आया था अपने दोस्तों के पास और उसके बाद से यहाँ पे लॉकडाउन हो गया अचानक से। जब से यहाँ पे लॉकडाउन हुआ है तब से मैं बाहर नहीं गया हूँ, अपने रूम पे ही रुका हुआ हूँ। लेकिन अब जो है यहाँ से कुछ भी गाड़ियाँ वगैरह कुछ नहीं मिल रही है और किसी से कोई हेल्प भी नहीं मिल रही। और मैंने पास बनाने के लिए भी बहुत प्रयत्न किया लेकिन नहीं बना और अभी तक कोई पास भी नहीं आया, जिससे कि ना मैं यहाँ से जा पा रहा हूँ। और यहाँ पे कोरोना के मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं खोड़ा कॉलोनी में। अब जो है कल ही जो है 25 या 30 केस ऐसे कुछ मिले हैं यहाँ पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी बढ़ते जा रहे हैं। अब जो है हमारे पास जो खाने के लिए था वो भी ख़त्म होने वाला है और हमें बाहर से लेना पड़ेगा, तो जिससे कि हमें भी होने के चांसेस हो जाएंगे। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि जो भी लोग ऐसे फंसे हुए हैं उनका पास बना दिया जाए और उन्हें घर जाने की अनुमति दी जाए। जो लोग स्वस्थ हैं वो लोग तो जा पाएंगे घर, नहीं तो ऐसे में तो एक से एक और भी हो जाएगा और लोग भी हो जाएंगे कोरोना से पीड़ित। इसलिए जो है मैं सभी से निवेदन करूंगा कि मतलब पास हर किसी का जारी किया जाए, व्हीकल वाला जो मतलब एक पर्सनल गाड़ी में जा सके आदमी अपनी गाड़ी। थैंक यू, जय हिंद।